आदाब नाजरीन, शहर हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आया अफसोसनाक वाकया। किडनैप करके दो दिन तक पैसों का मुतालबा करते हुए किया टॉर्चर, उसके बाद हुई मौत। तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर के इलाके बानो नगर के रहने वाले 32 साला मोहम्मद रिजवान नामी नौजवान, जो पेशे से पुलिस होमगार्ड थे, 2 साल पहले पैर फ्रैक्चर होने की वजह से बेड रेस्ट पर थे। कुछ दिन से ही पैर ठीक होने पर चल रहे थे। 11 सितम्बर 2023 बरोज़ पीर रात के वक्त सलीम नामी नौजवान शख्स, जो पेशे से ड्राइवर है और मोइनबाग का रिहायशी है, उसके बुलाने पर रिजवान सलीम के साथ चले गए। मुसलसल 2 दिन तक रिजवान को टॉर्चर किया गया और उनके घर वालों से पैसे का मुतालबा किया गया। मरहूम रिजवान के वालिद के दिए गए बयान के मुताबिक किडनैप करने वालों के नाम सलीम और नईम बताए गए हैं। रिजवान के वालिद का कहना है कि उन्होंने रिजवान को लाने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। बहरहाल मरहूम के वालिद ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के तहत आई सदन पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मजीद तफसीलात सुनते हैं मरहूम रिजवान के वालिद की जुबानी। पेश है एएस न्यूज़ नेटवर्क के लिए खसूसी रिपोर्ट। मोहम्मद अफजल है और मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद रिजवान। 11 तारीख के दिन 3 बजे मेरा बच्चा यहाँ से गया नीजर होटल संतोष नगर बानो नगर में, मेरा घर है। नीजर होटल पार करके गया, वो सलीम बोल के ड्राइवर है। सलीम आके क्या बोला, चलो जरा हमारे भौने से मिलनी है तो बात कर लेके आ जाएंगे रिजवान, कुछ भी नहीं होता, उसके बाद मैं लागे छोड़ देता हूँ। तो ठीक है, वो भी गए तो 11 तारीख को ले आके किडनैप करके सलर में बंद कर दिया। उसको बंद करके 15-16 आदमी मिल के उसको खूब मारे, मार के फिर मेरे को फ़ोन करे। फ़ोन करके बोले तुम मैं बजाघाट चौरस्ते को आओ। वो तो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ बोला। फिर मैं बजाघाट चौरस्ते को गया, गया तो बच्चे को सिखारे जितने भी पैसे दिया तो बोल, बाबा को दिया जितना भी दिया बोल, 18 लाख दिया बोल, 20 लाख दिया बोल, 20 ऑटो आए बोल वगैरह। उसको मार मार के बोलने लगा रहे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है पूरी उसकी, समझे। और वो मेन सलीम यहाँ से लेके गया और वो नईम बोल के है, और नईम के साथ 15-20 जने हैं, समझे। ये पूरे गांजा पीने वाले हैं और वो टानी के शीशियाँ हैं, वो एक चाचा शीशा पी रहे, समझे। पीने के बाद 11 तारीख को लेके गए, 12 के दिन 11 को 12 को 2 दिन बोल मारे, मार के मेरे को फोन करे। तो मैं 12 के दिन गया, गया तो बोले भाई तुम कुछ तो भी करो। तो मैं मेरे से नहीं होता भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास। जब आप गए थे वहाँ पे तो बच्चे से मुलाकात हुई थी आपको? बच्चा को भी लेके आए, थोड़ी देर में लेके आए बच्चे को। और 6-7 बाजार चौरस्ते के बाजू वो गैस का सिलेंडर की दुकान है, वो दुकान पे बैठे 6-7 जने थे लोग। जब बच्चा यहाँ से गया उसकी इत्तला आपको कैसा मिली? 12 तारीख को लोग फोन करके बोले मेरे को फोन करे, भाई तुम्हारा बच्चा ऐसा आया है और बच्चा पैसे देना है। बोला कहीं को दिए भाई बच्चे को पैसे, आप क्या समझ के दिए, बच्चे का कारोबार क्या है? बोले नहीं वो सब नहीं मालूम, पूरे पैसे तुम्हारे को लाके दिया। बोला बच्चा ये, और मेरे फोन में पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरा ऐसा मारे है उसको कि बोलो ना को। तो बच्चा पहले 5-6 साल मेरा होमगार्ड में करा गच्ची बोली, और ये चंदन गुट्टे के आगे कौन सा की एरिया है वहाँ पे करे, वहाँ पे करा, वहाँ से गच्ची बोली DCP की गाड़ी चलाए। अभी प्रेजेंट कहाँ थे? वहाँ थे ना DCP, तो गच्ची बोली ड्यूटी पे जा रहे थे? नहीं ड्यूटी पे नहीं, 2.5 साल हुआ टक्कर हो गया, हड्डियाँ पैर की हड्डी टूट गई थी मेरे बच्चे की, 2.5 साल से घर में थे मेरे, घर के बाहर नहीं जा रहे थे। अब 2 महीने हुआ निकल के, ना चलना नहीं आ रहा अभी भी। पैसा का जिक्र कर रहे हो, कब लिए वो? कब लिए पैसे वो नहीं मालूम, हम आपको नहीं मालूम कितने लिए बोल के बोल रहे हैं। एक जना 30 लाख बोल रहा है, एक जना 32 लाख बोल रहा है, एक जना 35 लाख बोल रहा, समझे। तो 10 तो भी दे दो, 8 तो भी दे दो, 5 तो भी दे दो, आखिरी में 3 दे दो, तुम्हारे बच्चे को हाथ नहीं लगा दे दो, ठीक है बोल के मैं 2 लाख रुपए दिया। दिया तो 2 लाख रुपए दूसरों के अकाउंट में डाले, वो एक और एक क्या की नाम है उसका हिंदू का, कैश दिए अकाउंट में नहीं, उस पे फोन पे भी जाए, फोन से डाले। हाँ एक को 1 लाख रुपए भी जाए और एक को हमारे बच्चे के फोन पे 1 लाख रुपए डाले, समझे। ये दो दोनों के नाम जो बोल रहे हैं, वो क्या काम करते हैं और कहाँ रहते हैं? वो सलीम जो है वो टैक्सी चलाता हूँ, और वो जो नईम है उन्हें क्या करता नहीं मालूम मेरे को। और वो नईम के साथ 15-20 है, पूरा गांजा पीने वाले नहीं। 12 तारीख हुई, मैं 12 तारीख को जाके आया तो मतलब ठीक है बोल के मैं 13 तारीख के दिन उनको पैसे दिए, तो 13 तारीख के दिन शाम में छोड़े उन्होंने, छोड़ने का बच्चा मेरा आया, फिर दूसरे दिन काम भी बैठ गया सो गया, फिर दवाखाने को लिया गया शरीक करा, वो लोग चढ़ाए कुछ भी नहीं हुआ। फिर
14 तारीख को गए तो फिर बुलों को चढ़ाए, फिर 16 तारीख को उस्मानिया को गया, उस्मानिया में गए तो बोले नहीं भाई तुम वोजा नहीं लेते, पुलिस को बुलाए तो लेते हो गए, जो भी है चेक करके पेपर लिख के दिए मेरे को। फिर वहाँ से लाने के बाद घर को रात भर बच्चा सोया नहीं, 16 तारीख को सुबह आता हुशारी बैठा हुआ है, तो वहाँ से अवेश को लेके गया सुबह के पुलिस कंप्लेंट दिया तो बच्चे को भी मार देते, बच्चे को जेल को भी जाते, तुम्हारे को भी परेशानी है। तो बोला ठीक है भाई 3 लाख दे दो, ना 2 लाख तो आपको दे दे रहा हूँ, 1 लाख रुपये 10 तारीख को आके ले लो। वहाँ से अवेशी में शरीर करे 9:30 को घर को लाए, 12:30 को बच्चा मेरा मर गया। समझे तो आप शिकायत क्यों नहीं करे पुलिस स्टेशन में? पुलिस को तुम कंप्लेंट दे दो तो आपको मारता हूँ। बोल रहे कौन बोलेगा? समझो ये नहीं भाई, आपका बच्चा खुद एक पुलिस में काम करता था, तो फिर आपको पुलिस से मदद लेना चाहिए था ना, वैसे ही ऐसे लोगों को देखे हिम्मत अफजाई तो भी हमारा बच्चा नहीं बनने दिया, नको दो कंप्लेंट बाबा मार रहे मेरे को पुलिस कंप्लेंट कर रिकॉर्डिंग है ये पूरी आपकी बच्ची? अब मेरे पास है रिकॉर्डिंग है पूरी, आपको धमका है वो लोग? नहीं नहीं रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरी, जो रकम मांगे आपसे उसकी भी रिकॉर्डिंग? हाँ वो भी रिकॉर्डिंग है। कितना अमाउंट दिए बाद बच्चे को रिलीज करे? 2 लाख रुपए दिया, 2 शाम में छोड़े, फिर 8 बजे पैसे दिए, 10 बजे छोड़े। घुटने पे सर पे गर्दन पे हाथ पे समझे, तब बात करने नहीं आ रहा था, उतनी तकलीफ में था। इससे पहले लड़ाई कोई पुरानी दुश्मन? नहीं नहीं लड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं है, आज तक 35 साल होगा मेरे को यहाँ आगे। कितने लोग मारे बोल रहे हो? 16 आदमी आते कहते, 16 में 9 आदमी मारे हुए। अब आपको पीएस में कंप्लेन दी है इसके बाद? ऐसा पीएस में दिया, सरकार साहब बहुत बोले मेरे को, सरकार साहब बोले तुम कहीं को डर रहे चीचा, मैं हूँ ना, ऐसा ऐसा भी बोले मैं हूँ ना, तुम खाली हाँ बोलो मैं जो क्या करता हूँ। तो मैं बोला नक्को सरकार साहब ऐसा बोल रहे लोग मेरे बच्चे से बढ़ के नहीं है, अरे तुमको नक्को डरो जी नक्को डरो, फिर भी सरकार साहब को समझा तो ये हुआ, सरकार साहब तो जब ही पूरा को उठा लेंगे बोले। तो बच्चा जिंदा था जब भी आप कंप्लेंट करे? हाँ समझे, सरकार साहब की ऐसे की मेहरबानी, आप पुलिस की मदद नहीं ली? नहीं लिया, बच्चा नको नको बोला ना, बच्चा स्टेटमेंट दिया पुलिस वालों? गए थे नको साहब, बात हो गई, अब जो भी हो गया 2 लाख वालों से हुई बात नहीं वहाँ पे समझे, नहीं बच्चा पुलिस वालों से बात कर, वो जाके सरकार साहब से बात करे, तो सरकार साहब बोले तुम टेंशन कहीं को ले रहे जी, मैं पूरा करता हूँ, पूरा को उठाता हूँ, वो कितने बड़े रोड यहाँ रहने दो, तुम डरो नको, होना तो तुम्हारे घर के सामने पुलिस वाले को भी ठहरा करता हूँ। नौजवानों पे नाम बोल रहे हो, नौजवानों के नाम है आपके पास? 9 जनों, 2 जनों के नाम है सब। कौन कौन? एक मेन यहाँ से सलीम लेके गया, और दूसरा मेरे को जो बुलाने वाला नईम। हज व उमरा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुकद्दस मुकामात की ज्यारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 85,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मजीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 0404854 9586 पर भी राबता कर सकते हैं।